दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडोबी एक्सडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडोबी एक्सडी में बहुत ही काफ़ी फीचर अपडेट किया गया है इस 15 अक्टूबर 2018 के रिलीज में। और ये एडोबी एक्सडी अगर कहा जाए तो अब स्केचअप से बहुत ही बेटर माना जाएगा अगर आप UI/UX डिज़ाइन के टूल में अगर कंपेयर करते हैं तो। और बहुत ही फास्टली इजी टू यूज आप वर्क कर सकते हैं एज ए UI/UX डिजाइन प्रोफाइल पे। और इसके लिए क्या क्या अपडेट हुआ है वो आप देख सकते हैं। अक्टूबर 2018 के रिलीज में एडोबी एक्सडी ने वॉइस बेस्ट प्रोटोटाइप एंड मोर अनविलेबल एट एडोबी मैक्स में किया है, जो कि अभी तक कोई भी इस तरह के प्रोटोटाइपिंग के। और इसके बाद आप न्यू फीचर की अगर मैं बात करूं तो वॉइस ट्रिगर एंड स्पीच प्लेबैक है। जैसे कि आप चैटबोर्ड देखते होंगे, मशीन लैंग्वेज का जो स्पीक करते हैं, जो आप सर्च करना चाहते हैं गूगल से कोई भी रिजल्ट, और उस तरह से ऑटोमेटिक जो सजेस्टेड रिजल्ट आपको मिलते हैं उस तरह का यहाँ पे वॉइस रिसर्च जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये फुल डिटेल में नॉलेज होगा कि कैसे ये क्रिएट होता है। सेकेंड ऑप्शन में जो अपडेट हुआ है वो है UI किट्स में एप इंटीग्रेशन के मामले में। एप इंटीग्रेशन में दो तरह के यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक आपको जैसे कि स्केच का प्लगइन मिलता था, डिफरेंट प्लगइन मिलता था, उसी तरह से यहाँ पे आपको प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको मिलेंगे। और उससे बहुत ही फास्टली और इजीली वर्क कर सकते हैं डिजाइन, और आपको टाइम को काफ़ी ही सेव कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे होम पेज का जो डिज़ाइन है एडोबी एक्सडी का, उसमें चेंज किया गया है क्योंकि बहुत सारे फीचर इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये स्वाभाविक बात है कि यूजर इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और पहले के कंपेयर में बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आप इंटीग्रेशन टूल जैसे कि जीरा, ट्रेलो और स्लैक और यूजर टेस्टिंग, ड्रिबल पे डायरेक्ट शॉट को अपलोड करना, इस तरह का आप देख सकते हैं नए जो है से प्लगइन और इंटीग्रेशन टूल जो है थर्ड पार्टी का ये इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद ऑटो एनिमेटेड, जैसे कि आप अगर प्रिंसिपल का नाम सुने होंगे तो प्रिंसिपल में एनिमेशन जो है सब बहुत ही माइक्रो इंटरेक्शन एनिमेशन होता है। लेफ्ट स्क्रॉल राइट जो होता है, उस तरह के आप ड्रैगिंग फीचर, ड्रॉप एंड ड्रैगिंग फीचर इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे कि आप प्रिंसिपल में देखते होंगे, या इस तरह का फीचर आपको डिटेल में अगर कहा जाए तो आप आफ्टर इफेक्ट में देखते होंगे, उस तरह का एनिमेशन जो है माइक्रो एनिमेशन जो है से इसमें फिट किया गया है। और कोई जैसे आपकी यहाँ पे इमेज है और इमेज को आप क्लिक करते हैं तो वो इमेज कैसे आपको एक्सपेंड होकर के फुल स्क्रीन में चेंज होता है, और टेक्स्ट कैसे एनिमेट होकर के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में एडजस्ट होता है। और इसके लिए आपको सबसे मेक श्योर करना होगा कि जो भी आप डिजाइन आर्टबोर्ड 1 में बनाए हैं और जो डिजाइन आप आर्टबोर्ड 2 में क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इस आर्टबोर्ड का जो लेयर का नाम है उसी लेयर का नाम राइट साइड में होना चाहिए। इसके बाद ही ये जो है से एनिमेशंस वर्क करता है। तो आपको ये श्योर मेक श्योर करना होगा कि जो भी इमेज का नेम है वही राइट साइड में जो बिग इमेजेज हुआ वो भी इमेज का लेयर का नेम सेम होना चाहिए। जो टेक्स्ट का नाम यहाँ पे आप टॉप और डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं वही लेयर का नाम राइट साइड में होना चाहिए, तभी वो एनिमेट होता है। जैसा कि ये फीचर आप प्रिंसिपल में भी देखते होंगे, जो कि मैक का एप्लीकेशन है जहाँ पे माइक्रो टाइप का एनिमेशन क्रिएट किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप, जैसे कि आप मोबाइल में शॉपिंग एप्लीकेशन देखते हैं या बहुत सारे शो मोर ऑप्शन देखते होंगे, या बुक माई शो में आप स्क्रॉल करते होंगे लेफ्ट टू राइट जो इमेजेस स्क्रॉल करते हैं, वो भी फीचर यहाँ पे इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर कहा जाए तो एनिमेशंस का कोई भी ऐसा टूल विंडोज प्लेटफॉर्म पे खास करके नहीं था, और ये
बहुत ही बिग अपडेट है और ये डिजाइनर्स के लिए बहुत ही अच्छा खबर है और खुशखबरी है कि इनके लिए टाइम और आप एनिमेशन डिटेल माइक्रो इंट्रैक्शन एनिमेशन बना करके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसी तरह से अब लिंक्ड सिंबल का एक नया फीचर आया है। लिंक्ड फीचर में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्ड फीचर में है कि आपको एक मास्टर पेज बनाना है, जैसे कि आप जानते होंगे कि स्केचअप में जो वर्क होता है वो मास्टर पेज एक क्रिएट होता है एनिमेशन ये जितने भी आइकन्स क्रिएट करते हैं, सिंबल क्रिएट करते हैं या कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं और उसको कहीं भी मास्टर पेज में चेंज किया जाता है तो ऑटोमेटिक पूरे डिजाइन में, पूरे आर्टबोर्ड की फाइल में जो है आपको इम्प्लीमेंट हो जाता है डायरेक्टली। उसी तरह से यहाँ पे आप स्केचअप के जैसे ही, जैसे कि स्केचअप का जो डिजाइन वो फेमस इसीलिए हुआ था कि वहाँ पे मॉलिक्यूलर डिजाइन सिस्टम और एटॉमिक डिजाइन सिस्टम पे वर्क करते थे, मतलब एलिमेंट्स को कोलैबोरेट कर कर के एक एसेट्स बनाते थे और वो पूरे एसेट्स को यूज करते थे एक कंपोनेंट को डिजाइन में, और कोई भी चीज़ें मास्टर पेज पे चेंज होता था तो सारे डिजाइनर जितने भी कोलैबोरेशन करके वो वर्क करते थे रियल टाइम में, वो सारे पे एक बार में अपडेट करते थे तो पूरे डिजाइन मास्टर पेज में चेंज करने के बाद सारे लोगों के पास वो चेंजेज मिल जाते थे और उसके लिए उनको नोटिफिकेशन टॉप राइट कॉर्नर पे मिलता था। उसी तरह से अब एडोबी एक्सडी में भी मल्टीपल डिजाइनर जो हैं, चाहे वो USA में बैठे हुए हैं, जापान में, कनाडा में, इंडिया में या किसी देश में अगर वर्क कर रहे हैं डिजाइनर, तो आप सारे डिजाइनर्स एक साथ मिल करके एक मास्टर पेज क्रिएट करेंगे और ऑनलाइन वर्क करेंगे। जैसे कि गूगल ड्राइव में एक मास्टर पेज रख दिया, जैसे कि आइकनोग्राफी आप देख रहे हैं, और एक न्यू फाइल में सारे लोग काम करेंगे। और मान ली कि आपका फाइल अलग अलग भी है लेकिन मास्टर पेज में अगर कुछ भी चेंजेज हुआ है तो आपको डायरेक्ट जो है लेयर पैनल में जो भी सिंबल आपको दिखाई देता होगा लेफ्ट में, वहाँ पे लिंकिंग का अपडेट ऑप्शन आता है तो सिंगल बाई सिंगल भी आप अपडेट कर सकते हैं या अपडेट ऑल भी कर सकते हैं, उसको अगर मार्क एज ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर जो है अपडेट हुआ है, ये काफ़ी ही हेल्पफुल फीचर है, ऐसे देखने में नहीं लगता होगा लेकिन आप मास्टर पेज में सारे आइकन एक अलग फाइल में Adobe XD का रख दीजिए और वहीं से आपको कॉपी करना है उसी फाइल से, और दूसरे फाइल में XD के दूसरे फाइल में आपको उस आइकन को पेस्ट करना है, और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे ग्रीन कलर का एक लिंक्ड आइकन होता है, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये फाइल लिंक्ड है और किस डेट टाइम में लिंक्ड हुआ है, ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे जो है फीचर अपडेट हुआ है, और अपडेट में आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इस आर्टिकल का, वहाँ पे आप सारे वीडियो देखेंगे तो एक्सप्लेन आप समझ सकते हैं। और यदि कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो के थ्रू तो आप इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टाइप ज़रूर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा और ये काफ़ी ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे रेड बटन को जो सब्सक्राइब है रेड बटन पे टैप करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि आपको हमेशा हमारे वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। उसके बाद अब एक न्यू फीचर और भी है कि आप अब इलस्ट्रेटर में जो भी फाइल वो वर्क किए हैं एक आर्टबोर्ड में या मल्टीपल आर्टबोर्ड में, तो उस आर्टबोर्ड को डायरेक्ट जो है अब फोटोशॉप के अलावे, स्केचअप के अलावे आप इलस्ट्रेटर के फाइल को भी राइट क्लिक करके ओपन विथ Adobe XD में ओपन कर सकते हैं, और सारे लेयर जो होते हैं वो एकदम रिजर्व होते हैं जहाँ पे कि आप एडिट, डिलीट और कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं ऐसे आपको यहाँ पे फैसिलिटीज ऐड कर दिया गया है। उसके बाद एक्सपोर्ट टू Adobe आफ्टर इफेक्ट, और यहाँ पे अब स्केचअप जो Adobe XD जो है उससे आप Adobe आफ्टर इफेक्ट के लिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और ये एनिमेशंस के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा और इसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है,
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं कि ये चैनल है जहाँ पे आप UI UX डिज़ाइन का नॉलेज फ्री में गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे जो चैनल पे बेल आइकन है उस पे आपको होम पेज पे जा कर के ऑन कर लेना है, ताकि हमेशा आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। और हमारे पोर्टफोलियो देखने के लिए हमारे चैनल पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे, या हमारे डेस्कटॉप से अगर आप वीडियो देखते हैं तो टॉप में जो चैनल का होम पेज है वहाँ पे एक बिहेंस नेटवर्क का आइकन होगा, या आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे हमारे चैनल पे तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर के बिहेंस नेटवर्क पे हमारे पोर्टफोलियो को भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस एडोबी एक्सडी का अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था कि आप हमेशा इस टेक्नोलॉजी के साथ, खास करके एडोबी एक्सडी के साथ आप अपडेट रहें, क्योंकि ये बहुत ही आने वाले दिनों में UX डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग और वायर फ्रेमिंग का टूल बनने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।